बार बार पुलिस और न्यायालय को गुमराह करके हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहता है और षड्यंत्र करके अपने घर की महिलाओं को भी इस्तेमाल करके हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहता है। जो लड़का मेरा 6 महीने से हमारे घर आया ही नहीं है, उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया है केस में छेड़खानी के। मेरे बच्चे के साथ खाना दुकान पर अपना जीवन यापन करता हूँ। एक लड़का मेरा जो कलकत्ता रहता है वो 6 महीने घर नहीं आया। ये तान अपने घर की महिलाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर दबाव बनाता है। इसलिए न्यायालय से और पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाई जाए, उसे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए झूठे आरोप लगाने के। थाने के SI महोदय अमरनाथ यादव जी मुझे बार बार कानून छेड़खानी के मामले पर बात ना करके दुकान खाली कराने की बात बार बार करते हैं, जो कि ये राजस्व विभाग का काम है ना कि पुलिस प्रशासन का। आपका हमारा मामला जमीन के दुकान का है। अशोक कुमार हमको जबरन दुकान से खाली कराना चाहता है, इसीलिए 156/3 हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया। उसी के जरिए हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि दुकान खाली हो जाए, जबकि दुकान उसकी नहीं है। हमारे मकान मालिक बिंदेसरी अनंतलाल लाल बहादुर है। ये आरोप निराधार है, एकदम असत्य है। लड़का मेरा बाहर रहता 6 महीने से और मुझसे अलग है, अपने रोजी रोटी अपना अलग कमा रहा है। ये दबाव बनाने के लिए, दुकान खाली कराने के लिए अशोक कुमार जो है ये निराधार असत्य छेड़खानी का आरोप हमारे दोनों लड़कों के ऊपर लगाया, जबकि एकदम सत पर सत गलत है। मेरा उसके घर से आना जाना एकदम कुछ नहीं, ना मेरा कोई उससे संबंध है। खाली दुकान खाली कराने के लिए जबरिया दबाव बना रहा है और ये निराधार है कहाँ। और ये खुद सातिर किस्म का आदमी है, कई बार ये काना है अवैधानिक जमीन खरीद परो तो इसका धंधा है। अभी निसलापुर में काना एक आदमी मृतक दिखा करके उसने ज़मीन हड़प लिया है, अपने नाम बैनामा करा लिया। अस्पताल के सामने ज़मीन दिखाना चाह रहा था, उसने भी भगाया गया है काना है। अब इसी बहाने को लेकर के हमें दुकान से बेदखल करना चाहता है, और जबकि हमारे मकान मालिक बिंदेश्वरी अनंतलाल लाल बहादुर हैं। खाली करवाने के लिए इतना धूर्त है कि न्यायालय को भी गुमराह किया, पुलिस वालों को भी गुमराह किया, और हमें हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए अपने बीवी का भी इस्तेमाल किया। इतना स्तर इसने अपना गिरा दिया। तो ज़मीन के लिए मेरा लड़का मेरे दुकान पर रहता है, ये कलकत्ता में 6 महीना से रहता है, लेकिन ज़मीन हड़पने के लिए न्यायालय को पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है।